lo stop. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज आईआईटी कैंपस में आईआईटी मंडी के वार्षिक स्टार्टअप इवेंट हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने आईआईटी मंडी परिसर में आईआईटी मंडी उत्प्रेरक सहकार्य स्थल पर आई हब और HCI फाउंडेशन कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने आईआईटी मंडी की स्थापना के बाद से किए जा रहे अच्छे कार्यों की भी सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक पिछले कई वर्षों में राज्य सरकार के अपार समर्थन में हिमाचल प्रदेश में उभरने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। आईआईटी मंडी बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक इंस्टीट्यूट है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में एक नई पहचान दिलाने की स्थिति में होगा। कैंपस पूरी तरह से डेवलप हुआ है और फैकल्टीज भी यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर आज की तारीख में काम कर रही हैं और एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर काम करने का बच्चों को मिला है। और आज विशेष तौर से जो स्टार्टअप का मैं पूरा देख रहा था, जो शुरू किया जिस तरह से उन्होंने काम का अपने सारी चीज़ को लेकर के, तो बहुत बेहतरीन उसमें परफॉर्मेंस उस दृष्टि से रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इस इंस्टीट्यूट को स्टेट की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट करते हुए अलग से इसकी एक पहचान बने, ताकि यहाँ साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो साइंटिस्ट जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो स्टडी करने के लिए आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अब की बार 15 अगस्त को एक शब्द का जिक्र किया है, जय जवान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तो हम पहले बोलते थे, और एक और शब्द उसमें जो है वो अनुसंधान जोड़ा है। तो एक पूरे देश के सामने एक संदेश है कि रिसर्च का आज की तारीख में एक बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को ऐसे ही इंस्टीट्यूट के माध्यम से। और इसी बीच वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचलवासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए, जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत
अच्छी योजना है, हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हेम केयर कार्ड की भी। इस हेम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285,35,00,000 रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में 500 मेगावाट क्षमता की डूगर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से ऊर्जा विभाग के निदेशक हरिकेश मीणा, NHPC के तरफ से महाप्रबंधक सुरेश कुमार और BBMB के सचिव सतीश कुमार सिंगला ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। चंबा जिले के किलाड़ में डूगर परियोजना का निर्माण NHPC और मंडी जिला में बग्गी परियोजना का निर्माण BBMB द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि डूगर विद्युत जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 3,987.34 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के आरंभ होने के बाद 1,795 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पन्न होगा। परियोजना निर्माण द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत लगभग 59.81 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 71 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस जल विद्युत परियोजना का आवंटन 7 अगस्त 2018 को PHPC को किया गया था, माफ कीजिएगा NHPC को किया गया था। और गद्दी समुदाय की 6 जातियों को जनजाति का लाभ न मिल पाने से उनमें सरकार के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है। हिमाचल गद्दी यूनियन के अनुसार गद्दी समुदाय से जुड़े 6 जातियों को जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए लंबा संघर्ष चल रहा है।
वहीं हर मंच पर सरकार के सामने इस मांग को भी उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने उनकी मांग को पूरी नहीं की है। हिमाचल गद्दी यूनियन के अध्यक्ष देशराज, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, सह सचिव संजय कुमार ने अपनी मांगों को प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के सामने रखा है। छह जातियां ऐसी हैं और मैं इनको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और बैजनाथ के अंदर भी इन्होंने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया, तो ये जो इनकी लड़ाई है उस लड़ाई में जहां तक चार दिन पहले हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी और हमारे प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी, तो क्योंकि इन्होंने लगातार हमारे जगह जगह पे जो पहले तो इन्होंने सरकार से कोशिश की, जो वर्तमान सरकार 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ के सांसद से भी रिक्वेस्ट की कि हमारी ये जो छूटी हुई जातियाँ इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। काफ़ी लंबे समय से एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिमालय गद्दी मूल बैनर के तले, और वो लड़ाई है 2003 में एक जो जनजाति दर्जा दिया गया दो जाति को, एक गद्दी और एक गुज्जर को। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है गद्दी समुदाय से हम लोग हैं, तो गद्दी समुदाय को दी गई जिसमें से 13 जातियाँ गद्दी समुदाय में थी और 7 को उन्होंने ऐड कर लिया, 6 को ये बाहर निकाल दिया। अब ये पता नहीं किसी मंशा के कारण निकाला या कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन इस लड़ाई को हम काफी लंबे समय से सन 2003। और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी क्लब सोलन द्वारा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने किया है। इन 3 दिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 9 टीमें को तो वहीं महिला वर्ग की 6 टीमें भाग लेंगी। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया है कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हॉकी को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास किया जाएगा ताकि प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक इस खेल में अपना डंका बजा सके। प्रदेश में भी हॉकी का भविष्य उज्जवल हो, जो नए बच्चे हैं उनको अच्छे ग्राउंड्स खेलने के लिए उपलब्ध करवाए जाएं और अच्छी तकनीक के साथ वो हॉकी खेलें, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी हॉकी आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जब उनका चयन यहाँ से हो तो आगे जाकर भी वो हॉकी में आगे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश में खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।